अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं द फाउंडर ऑफ एस वाई एम एस सोसाइटी ऑफ यंग मैथमेटिकल साइंटिस्ट मोहम्मद अदेस शावानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है सर। आपने बुनियाद रखी इतने बड़े प्रोजेक्ट की, आपने कैसे ये आइडिया सोचा और आज तक क्या मुश्किल दरपेश आए और क्या समझते हैं ये बड़ा मुश्किल होता है इतने बड़े बड़े जहनों को, प्रोफेसर को अपनी तरफ कायल करना, तो ये कैसे एक सिलसिला चला और आज माशाल्लाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट? क्या आपके पास कोई आइडिया आता है, आपको कोई सोच करना होता है, सोच विचार करना होता है, आप फिर आलात कराते हैं आपसे? जी हाँ, मैं देखता हूँ फॉरेन कंट्रीज को, मुझे रश होता था कि अगर वो कोई जहाज बना सकते या कोई और चीज़ बना सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने वो आगे हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? अगर हमारे बलूचिस्तान या पाकिस्तान को हम उनसे मुशावरा किया जाए तो तकरीबन ना होने के बराबर है, या जो हो रही है उनकी मशीनरीज वगैरह, मतलब ना होने के बराबर है। तो मैंने ये सोच, मेरे पास बहुत मुझे तंग करता था सोच, मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, बाकी फिर हमने प्रोफेसर रकीब राज काकर साहब जो कि आज हमारा प्रेसिडेंट है उनसे डिस्कस किया, उन्होंने हमें आगे कदम बढ़ाने में काफ़ी मदद किया, उन्होंने हमें हमारे साइंस कॉलेज के स्टाफ से हमारी मीटिंग रखी, तो फिर प्रोफेसर्स इतना वैल्यूएबल ये आइडिया निकला, हमसे प्रोफेसर्स हमसे मुतासर हुए और काफ़ी प्रोफेसर्स हमारे साथ आए और आज तक के फाइनेंशियली सपोर्ट जो हमें प्रोफेसर्स ही कर रहे हैं। और ये सोसाइटी स्टूडेंट्स की सोसाइटी है, स्टूडेंट्स की बनाई हुई सोसाइटी है, और ये सोसाइटी ऑफ यंग मैथमेटिकल साइंटिस्ट का प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। और आपने पूछा था सवाल में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और आपकी दुआओं के जरूरत है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे अवेस, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।